ही कर लूंगा। तो गाइस जिस तरह से थैनोस को मार्वल के सबसे बड़े विलन के तौर पर दिखाया जा रहा है, उस तरह से तो लग रहा है कि एवेंजर्स टीम को थैनोस को हराने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि थैनोस को हराना मुश्किल है, थैनोस को भी हराया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से सुपर हीरो हो सकते हैं जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को एक ही बारी में हराने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि वो सुपर हीरो है कौन। थॉर विद ओडिन फोर्स। गाइस, जैसा हम फैंस थॉर रैग्नारोक में देख चुके हैं कि थॉर के पास ओडिन फोर्स आ गई है और वो इस ओडिन फोर्स से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, लेकिन अभी भी थॉर को ओडिन फोर्स को और डिस्कवर करना है, क्योंकि ओडिन फोर्स कोई छोटी मोटी सुपर पावर नहीं है। अगर थॉर इस ओडिन फोर्स का फुल यूज़ इन्फिनिटी वॉर में कर पाया तो उसके पास इतनी पावर आ जाएगी कि वो थैनोस से आराम से टक्कर ले पाएगा। अब फ्रेंड्स, आपको ओडिन फोर्स के बारे में बता दूं कि ये कितनी पावरफुल है और थॉर ओडिन फोर्स से क्या क्या कर सकता है। गाइस, थॉर ओडिन फोर्स से एक पूरी एलियन की आर्मी को किसी दूसरे प्लेनेट पे टेलीपोर्ट कर सकता है और वो ओडिन फोर्स से किसी अदर गैलेक्सीज में क्या हो रहा है ये भी पता कर सकता है। इससे वो टाइम को रोक सकता है और टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। अब गाइस जरा थिंक करिए, इस ओडिन फोर्स को अगर थॉर ने इन्फिनिटी वॉर में फुल डिस्कवर कर लिया तो थॉर थैनोस को आराम से हरा पाएगा। अब बात करें कॉमिक्स की तो एक बार थॉर ने इसी ओडिन फोर्स से थैनोस को एक बैटल में हरा दिया था। नेब्यूला। गाइस, नेब्यूला एमसीयू का एक ऐसा करैक्टर है जो थैनोस को अपने पर्सनल रीजन की वजह से मारना चाहती है और उसकी हेट थैनोस के लिए किसी अदर एमसीयू के करैक्टर से कहीं ज़्यादा है। अब गाइस, नेब्यूला के पास ऐसी कोई सुपर पावर्स तो नहीं है कि वो थैनोस से टक्कर ले सके, बट हम इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक में देख चुके हैं कि वो किस तरह से थैनोस से बचते हुए इन्फिनिटी गॉन्टलेट को उठा लेती है और थैनोस ने गॉन्टलेट से जो कुछ भी करा होता है उसको वापस से ठीक कर देती है। गाइस, अगर हमें इन्फिनिटी वॉर में यही देखने को मिला तो क्या पता नेब्यूला इस इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज़ करते हुए थैनोस को मारकर उन सबका बदला ले ले जो थैनोस ने उसके साथ करा था। आयरन मैन। गाइस, आयरन मैन एमसीयू के सबसे इंटेलिजेंट सुपर हीरोज में से एक है और इतना तो पक्का है कि उसने थैनोस को हराने के लिए ऐसा मास्टर प्लान बना लिया होगा जो कि उसे थैनोस से टक्कर लेने में मदद करेगा। अब गाइस, इन्फिनिटी वॉर के सेट से आई हुई इमेजेस को देखा जाए तो हमें देखने को मिल रहा है कि आयरन मैन के पास आर्क रिएक्टर फिर से आ गया है। अब यह आर्क रिएक्टर उसके पास कैसे आया ये कहना तो मुश्किल है, पर फ्रेंड्स शायद ये हो सकता है कि टोनी को आर्क रिएक्टर की रियल पावर के बारे में पता लग गया हो कि ये आर्क रिएक्टर किस तरह से थैनोस को हराने में यूज़ हो सकता है। और अब आर्क रिएक्टर की पावर की बात की जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि इस आर्क रिएक्टर की पावर एक इन्फिनिटी स्टोन की पावर के बराबर होने वाली है। सो इन सबको देखते हुए अगर टोनी आर्क रिएक्टर की फुल एनर्जी का यूज़ थैनोस पर कर पाया तो वो थैनोस को डिफीट भी कर सकता है। एडम बॉरलॉक। गाइस, एडम बॉरलॉक को थैनोस का बहुत पावरफुल कंपेटिटर के तौर पर जाना जाता है, इसलिए ही एडम बॉरलॉक एमसीयू का एक ऐसा करैक्टर होने वाला है जो अपनी नॉर्मल पावर से भी थैनोस को डिफीट कर सकता है। अगर मार्वल कॉमिक्स की बात की जाए तो एडम बॉरलॉक के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो सोल स्टोन से जुड़ा हुआ रहता है और उसको पता रहता है कि सोल स्टोन कहाँ है। और गाइस, एक बार मार्वल कॉमिक्स में ये भी दिखा चुके हैं कि जब एडम बॉरलॉक थैनोस से हारने के बाद दोबारा जिंदा होता है तो उसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो थैनोस से दोबारा बैटल करता है और उस बैटल में आराम से थैनोस को हरा देता है। सो गाइस, इस तरह से अगर एडम बॉरलॉक को इन्फिनिटी वॉर में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इतना तो श्योर है कि ये कैरेक्टर थैनोस को डिफीट करने में एवेंजर्स की बहुत हेल्प करने वाला है। वैसे गाइस, एडम बॉरलॉक का रेफरेंस हम गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देख चुके हैं। हल्क। कॉमिक्स में वैसे तो हल्क बहुत बार थैनोस से हार चुका है, लेकिन कॉमिक्स में थैनोस ने भी बहुत बार ये माना है कि वो हल्क से बैटल करना अवॉइड करता है क्योंकि हल्क के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो हर सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है, चाहे वो न्यूक्लियर धमाका हो, एनर्जी ब्लास्ट हो या टेम्परेचर का 1000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ना हो।
जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। एक वेबसाइट मार्वल विकिया के अनुसार हल्क के पास थैनोस से भी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है। सो गाइस, थैनोस हल्क को तभी हरा सकता है जब वो गुस्से में ना हो, बट जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ेगा वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो थैनोस को पूरा कॉम्पिटिशन देगा और फिर शायद उसे हरा भी देगा। इसके अलावा गाइस, एमसीयू के और भी करेक्टर्स हैं जो प्रोबेबली इतनी पावर रखते हैं कि वो थैनोस को डिफीट कर सकें, जिनमें से हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, एनिशिएंट वन, डोरामामू, मिस्ट्रेस डेथ जो कि हेला हो सकती है, अल्ट्रॉन, वेंडा और विजन। और गाइस, ये तो बात करी हमने एमसीयू के करेक्टर्स की जो इतनी पावर रखते हैं कि वो थैनोस को हरा पाएं, बट गाइस, एक्समैन और अदर यूनिवर्स से भी बहुत से ऐसे करेक्टर हैं जो कि थैनोस को आराम से डिफीट कर सकते हैं, जिन्हें मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। सो गाइस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि क्या आप हु कैन डिफीट थैनोस पर एक और वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैं अदर सुपर हीरोज के बारे में बताऊं जो कि थैनोस को डिफीट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना लाइक दें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल की पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम डेली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। और अगर आप अपने किसी फेवरेट करेक्टर पर ओरिजिन या वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ उस पेज को लाइक भी कर दें। सो गाइस, मैं अंकित मिलता हूँ आपसे आने वाली वीडियो में। थैंक यू।